जैसे लकड़ी का ढेर आग जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही सारे प्रारब्ध के दोष और पाप को जलाकर भस्म करने वाला भगवत ज्ञान है। तो आपको अगर परम स्वतंत्र होना, परम सुखी होना, तो आप परम स्वतंत्र अपने आत्म प्रसाद का रास्ता मजबूत कीजिए। त्रिकाल संध्या करने वाले की मति मलिन नहीं रह सकती। संध्या के समय सत्संग करने वाले वशिष्ठ महाराज महा ज्ञानी महायोगी महा उपदेशक भी संध्या के समय कहते हैं कि राम जी, संध्या का समय हुआ है, अब सत्संग इस विषय पर कल बताएंगे। संध्या का समय हुआ, संध्या के समय पढ़ना पढ़ाना भी वर्जित है, भोजन करना कराना भी वर्जित है। संध्या के समय संधि काल में संध्या के समय भगवत स्मरण से गजब का फायदा होता है। उसको संध्या के समय प्राणायाम, भगवान नाम जप और ध्यान अमित लाभ कराता है। हर रोज अगर संध्या का समय संवारा जाए तो शरीर स्वास्थ्य सुलभ हो जाएगा। रोज अगर संध्या का समय संभाला जाए तो मानसिक निरोगता और बुद्धि का विकास बच्चों का भी होता है, बड़ों का भी। जो लोग गायक हैं, मास्टर कैसेट बनाते हैं, फिर उसके द्वारा कैसेटें बेचते आदि, उनका अनुभव है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सुंदर कैसेट का म्यूजिक कलकत्ता में प्राप्त होता है। स्टूडियो में कलकत्ता में विशेष रिजल्ट अच्छा आता है। इसका क्या कारण है? मशीनें तो हिंदुस्तान में सब जगह वैसे वही, उससे भी बढ़िया बॉम्बे दिल्ली और भी धनाढ्य है, कलकत्ता से तो और भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी व्यवस्था है, फिर भी कलकत्ता में स्टूडियो में गाने वाले भजन इतने सुंदर क्यों होते हैं, क्यों बढ़िया रिजल्ट आता है? तो कलकत्ता के लोग काली की, सरस्वती की उपासना विशेष करते हैं। तो सरस्वती की उपासना करने से विद्या शक्ति, म्यूजिक सेटिंग, गायन आदि में उपासना का रंग आता है। दूसरी जगह उपासना होती है, लेकिन जो जितनी जैसी उपासना वाले, जितना काली के मातृशक्ति के उपासक कलकत्ता के तरफ मिलते हैं, सरस्वती के उपासक कलकत्ता में मिलते हैं उतनी संख्या में म्यूजिशियन जगत के लोग और जगह एक साथ नहीं मिलते। स्टूडियो में कोई एक आध उपासक होगा, दूसरा दूसरे ढंग का होगा, नहीं होगा। उपासना से जीव की अपनी क्षमताएं विकसित होती। त्रिकाल अगर संध्या उपासना करे तो दो पैसे के व्यक्तियों के अगर चक्कर काट काट के झूठी ठाडस बंधाने वालों के पीछे जितनी मेहनत करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़े।
त्रिकाल संध्या करने वाले को रोजी रोटी के लिए, साधन सामग्री और यश के लिए किसी नेता को रिझाना नहीं पड़े, किसी के रहमत और मेहरबानी की भीख नहीं मांगनी पड़े संसारी की। हाँ, संत महापुरुष के आगे तो वो खजाना मिलता है जो दुनिया के कोई धनाढ्य का बाप भी नहीं दे सकता है, सत्ताधीश का कोई ताऊ भी नहीं दे सकता है। तो हे राम जी, तेरा निमिष किया हुआ ध्यान जगदान के फल को प्राप्त कराता है, 17 निमिष किया हुआ ध्यान परमात्मा ध्यान वाजपेयी यज्ञ करने का फल देता है। एक घड़ी किया हुआ पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान राजसु यज्ञ का फल प्राप्त करा देता है। एक मुहूर्त लेकर एक पहर तक 3 घंटे किया हुआ उस परम चैतन्य स्वरूप प्रभु का ध्यान अश्वमेघ यज्ञ करने के फल को प्राप्त कराता है। भगवान शिव जी ने कहा कि हे मुनि शार्दूल वशिष्ठ महाराज, जिन संतों के दर्शन से संसारी लोग पवित्र होते हैं, निष्पाप होते हैं, निश्चिंत होते हैं, जिन संतों के दर्शन वाणी और दृष्टि से संसारी निश्चिंत निष्पाप और पावन होते, वे संत भी इस परमात्मा ज्ञान और परमात्मा ध्यान से स्वयं पावन होते, औरों को पावन करते। पावनम पावने भ्यो भी मधुरम मधुरे भ्यो भी, मधुर से मधुर और पावन से पावन, मंगल से मंगल, भगवन नाम, नाम जपत मंगल दिशा दशो, दशो दिशाओं में मंगल होता है नाम जपने वाले का। तो ऐसा भगवत नाम और फिर प्राणायाम सहित, भगवत नाम और भगवान के ध्यान सहित पाप की राशि को जलाकर भस्म कर देता है। यथा धंसी समिद्धो अग्नि भस्म सात गुरु ते अर्जुना, ज्ञान अग्नि भस्म कर्माणि भस्म सात गुरु ते तथा, जैसे लकड़ी का ढेर आग जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही सारे प्रारब्ध के दोष और पाप को जलाकर भस्म करने वाला भगवत ज्ञान है। तो भगवत चिंतन भगवत ध्यान से भगवत ज्ञान उभरता है, पुष्ट होता है, और वो फिर संध्या के समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो आपको अगर परम स्वतंत्र होना हो, परम सुखी होना हो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तो आप परम स्वतंत्र अपने आत्म प्रसाद का रास्ता मजबूत कीजिए। सिद्धार्थ को वैराग है तो राजपाट छोड़कर चल दिए। हम लोगों को विवेक होता है, वैराग होता है, फिर बोले कोई रखा नहीं संसार में, कोई रखा नहीं, चलो भगवान के रास्ते जाते। रास्ते गए, थोड़ा सही गए और आनंद आने लगा, फिर बोले जरा
15 दिन ये संभाले, 15 दिन वो संभाले, तो रास्ता लंबा हो जाएगा। जो नहीं संभालते आध्यात्मिक रूप से, तो 15 दिन आध्यात्मिकता, 15 दिन लौकिकता ठीक है, लेकिन सलंग चले चले थोड़े ही समय में मंजिल तय हो जाती। जितना संसार को रिझाते और संसारी कावे दावे में जिए हुए लोगों की का भरोसा रखते, उससे कई गुना ज़्यादा आपका अपना निकटवर्ती परमात्मा देव है। संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषध। संसार के तापों में, दुखों में, कष्टों में तपने वाले के लिए भगवत योग परम औषध। संसार के लिए इतना तपते, इतनी खुशामत करते, इससे आधा भी अगर परम सुख पाने के लिए अथवा परमात्मा खजाना खोलने के लिए लगते, तो जिन नेताओं के पीछे आप घूम रहे हैं वे नेता तुम्हारे पीछे तुम्हारी चरण रज लेने को घूमते। प्रधानमंत्री घूमती थी आनंद में माँ की चरण रज के पीछे, पंडित नेहरू घूमते थे आनंद में माँ को राजी करने के लिए मत्था टेकने जाते देहरादून, वो भी एक महिला थी आनंद में माँ। सुन्या सखना कोई नहीं, और इस युग की थी नेहरू और पंडित नेहरू और इंदिरा, अभी तो हो गए, ऐसा नहीं प्राचीन काल की बात। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, एक उस परमेश्वर की प्रसन्नता परमेश्वर की प्राप्ति के साधन को साध ले, सब सद जाएगा। मेरे को बेटा मिल जाए तो क्या हो जाएगा। राम जी मिल गए पुत्र रूप में दशरथ को, अंत में रो रो के बिचारे दशरथ चले गए, कौशल्या तड़प तड़प के बूढ़ी हो गई। कृष्ण मिले वसुदेव देवकी को, तो ये बाहर से भगवान जैसे पुत्र भी मिल जाते तभी भी बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन भीतर से भगवान को पाना हो तो बड़ा आसान। जनक राजा को न गर्भ धारण करना पड़ा था, न गार्गी को कुछ गड़बड़ सहनी पड़ी थी, सीधा परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लिया। ब्रह्म ज्ञान तो हो गया लेकिन बेटा चाहिए, ब्रह्म ज्ञान तो हो गया लेकिन यश चाहिए, ब्रह्म ज्ञान तो हो गया लेकिन पूंछड़ा चाहिए। अभी मन के चुंगल में फंसे हो, थोड़ी देर ब्रह्म का सुख मिला न मिला फिर मन हावी हो जाता है। इसीलिए ब्रह्म परमात्मा की, ईश्वर के आनंद की स्थिति बढ़ानी चाहिए, ईश्वरीय सुख बढ़ाना चाहिए। वासनाशय मनोनाश और बोध, बोध मतलब ज्ञान गुरु की कृपा से हुआ, लेकिन अभी वासना जोर मारती है ज्ञान को ढक देती, मन जोर मारता है ज्ञान को ढक देता है, वासना में उठा के ले जाता है बहा देता। जैसे पतंगिया सुख बुद्धि से दिए के तरफ आता और जल मरता है, ऐसे वासना दिखाती कि मुझे बेटा मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, मुझे शादी हो जाए तो सुखी हो जाऊं, मुझे ये हो जाए तो सुखी हो जाऊं। इच्छा मात्र परम दुखम, इच्छा रहितम परम सुखम। तो संसार की चीजों की इच्छा मिटाने के लिए भगवत प्राप्ति की इच्छा करके साधन में लग जाए और भगवत प्राप्ति दृढ़ता से हो जाए,
इसी में आपका भी मंगल, आपके परिवार का भी, आपके साथियों का भी, आप जिनको दर्शन थे उनका भी इसी में मंगल है। आप ईश्वरीय सुख को पा लीजिए, फिर जिसको दर्शन देते उनको भी पुण्य होगा, उनको भी सत प्रेरणा मिलेगी, उनको भी आपके सानिध्य से सत का संग होगा, क्योंकि आपका मन सत में है तो आपकी आंखों से सत के व्यवस बरसेंगे, आपकी वाणी से सत की प्रेरणा और प्रीति की वाणी आएगी, आपके रोमकूप से भी सत के तरंग निकलेंगे, सत स्वरूप के सद्भाव निकलेंगे। हे राम जी, दुख देखना है तो संसार में जाओ, संसारी बिचारे कभी किसी दुख में, कभी किसी दुख, घर बनाइए, पैसे कमाइए, मित्रों को राजी रखिए, शत्रुओं से बचिए, आज ये करना है, कल वो किया था, परसों ये करना है, सारी जिंदगी शेख चिल्ली के किले बांधते, बनाते, सवारते, अंत में सब कुछ छोड़कर रीते रह जाते, खाली चले जाते। हाँ, ये सब इकट्ठा करने में जो मुसीबतें उठाई, जो धोखाधड़ी की, वे पाप के संस्कार लेकर चले जाते। मंदा सुमंद मतया मंद भाग्या उपद्रता, वे मंद लोग है, मंद मती है, भाग्य भी मंद है। तो चलो भगवान दया करेंगे, बोले उपद्रवी है। भगवान दया कैसे करे, उपद्रवी भी है। झूठ मूठ किसी पर आरोप करना, झूठ मूठ किसी की हानि का सोचना या करना है, ऐसे मंदमती उपद्रवी लोग। तो ये मती की मलिनता है, त्रिकाल संध्या करने वाले की मती मलिन नहीं रह सकती। त्रिकाल संध्या करने वाले का पाप प्रभाव नहीं रह सकता, उसका तो शांति प्रभाव, आनंद प्रभाव, प्रभु प्रभाव जागृत होगा। सत्संग करे, सत्शास्त्र पढ़े, अपना काम बना ले इसी जन्म में, आपके हाथ की बात है। फालतू बातें करके अपने शरीर को, मन को नीचे मत गिराओ। संसार की बात जितना ज्यादा करोगे, सुनोगे, उतना आध्यात्मिक प्रभाव आपका क्षीण होगा। जितना आत्मिक बात करोगे, सुनोगे और ध्यान करोगे, उतना आध्यात्मिक बल बढ़ेगा। हजारों लाखों लोग चाहते हैं संतों से मिलना, दर्शन करना, फिर भी वो सब को छोड़ के संत एकांत में रहते, कुछ कीमत होगी। एकांत में, भगवत ध्यान में शक्ति, अपना और दूसरों का भला होता है। ध्यान की मधुरता में मन मधुर होता जाएगा। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Krishna रग रग पावन हो रही मधुर शांति। आनंद है,
सचेतन मन में भगवत नाम, भगवत शांति, भगवत प्रसाद गहरा हो रहा है, आनंद आ रहा है, हृदय मधुर हो रहा है, चित्त पवित्र हो रहा है, गुरु कृपा पच रही है, ईश्वर कृपा बरस रही है, हम भगवान की परम शांति में पावन हो रहे हैं। न किसी को हम दुखी करें, न किसी से हम दुखी हों, वो कितना भी दुखी करे, हम ऐसे बन जाए कि उसका किया हुआ हमारे हृदय पर दुख न छोड़े, और हम किसी से ऐसा व्यवहार न करें कि दुख बढ़े। दुनिया में तो दुख वैसे ही बढ़ रहा है, अपने तरफ से न दुख दे न किसी से दुखी हो। निर्दुख नारायण है, निर्दुख निरंजन प्रभु का प्रसाद है। आप ही आप हूँ या तालिबो, मतलब है कौन? मैं जो आशिक हूँ कहा था मुझे मालूम न था, मैं भगवान का भक्त हूँ या संसारी हूँ मुझे मालूम न था, वजह मालूम हुई तुझसे न मैं मिलने की सनम, तुझसे नहीं मिल रहा था उसकी वजह मालूम हुई कि मैं ही खुद पर्दा था, मैं ही खुद पर्दा बना था और अपनी वासनाओं में ढका था। जो तेरी मर्जी पूर्ण होने पर चला तो देखा कि तेरी अमित कृपा, असीम आनंद, असीम शांति मुझ परमेश्वर के पुत्र पर है। आप ही आप हूँ या तालिबो, मतलब है कौन? मैं जो आशिक हूँ कहा था मुझे मालूम न था, वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की सनम, तुझसे न मिलने की वजह मालूम हुई, मैं ही खुद पर्दा बना था मुझे मालूम न था। जीव अपनी वासनाओं के कारण, अपने इच्छाओं की गुलामी के कारण वजह बन गया कि परमात्मा की शांति, परमात्मा का आनंद, परमात्मा का माधुर्य और परमात्मा का सामर्थ्य हमारे साथ था, हमें मालूम नहीं था। अब क्या करो? दूसरे को दुख पहुंचाना नहीं, दूसरे के द्वारा पहुंचाए हुए दुख को स्वीकार करना नहीं। ओम अहम ताम ज्वामि स्वाहा, मैं उसके दिए हुए दुख को स्वाहा करता हूं। ओम अहम ताम ज्वामि स्वाहा, मैं इसके दी हुई चिंता को, इसके किए हुए अपराध को, किए हुए दुख को भगवत कृपा भगवत यज्ञ में स्वाहा करता हूँ। ओम अहम ताम अमुक दुखम जोहामि स्वाहा, ओम अहम अमुक चिंताम जोहामि स्वाहा, ओम अहम अमुक भय जोहामि स्वाहा। ये करके आप बिल्कुल निर्दुख शांत हो जाए, श्वासों श्वास को गिनें।